चय सुरेंद्रे चय कौशिके पाद संस्पृशी निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामी ने नमः है आर्तवांग्मय में कहा गया है धम्मजीय च बुद्धे बुद्धिहाायरिय सया तमायारम तो गर्म नाभिगछ आदमी के जीवन में धर्म का समावेश होना चाहिए जीवन में हमें अनेक प्रवृत्तियाँ करनी होती है बोलना भी होता है भोजन भी करना होता है सोना भी होता है बैठना भी होता है खड़ा होना भी होता है इन अनेक प्रवृत्तियों में चलना भी होता है श्वास भी लेना होता है सोचना भी होता है नहाना भी आप लोगों का क्रम हो सकता है कपड़े धोना हो सकता प्रवृत्तियों के साथ धर्म को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए कर्म के साथ धर्म नथी हो जाए धर्म युक्त कर्म हो जाए जीवन में शांति है समता है जागरूकता है संयम है तो कर्म भी धर्म प्रभावित या धर्म युक्त हो सकता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित देश है सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत अच्छी बात है यूं धर्म निरपेक्षता की बहुत अच्छी है परंतु जीवन व्यवहार में तो धर्म होना चाहिए जीवन व्यवहार में अनुशासन भी रहना चाहिए कोई यह सोचे कि हम तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हमें क्यों अनुशासन की बात कही जाए हम तो स्वतंत्र हो गए आजाद हो गए हैं तो आजादी देश को मिली है स्वतंत्रता मिली है तो अनुशासन तो वहां भी आवश्यक है प्रजातांत्रिक प्रणाली है इसका मतलब अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए अनुशासन तो आवश्यक है अंग्रेजी में जो कथित है विदाउट ड्यूटी and discipline, the duty of democracy shall be doomed to death and destruction. अर्थात कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के बिना प्रजातंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में भी न्यायपालिका है विधायिका है कार्यपालिका यानी अनुशासन है अपराध होने पर न्यायपालिका दंड प्रदान कर सकती है विद्यार्थियों में अनुशासन के संस्कार भी हों कि कैसे वो स्वानुशास एक तो दूसरे अनुशासन करें वो भी अपेक्षित हो सकता है खुद का संयम खुद कर ले निज पर शासन फिर अनुशासन निज पर शासन फिर अनुशासन पहले खुद पर शासन कर लोगे तो दूसरों पर भी अनुशासन करने के लायक भी बन सकते हो कि खुद का खुद पर शासन नहीं है तो मैं दूसरों के अधिकारी बनेंगे दूसरों के अधिकारी बनने से पहले खुद के खुद अधिकारी बनो खुद पर खुद का कंट्रोल रखने का प्रयास होना चाहिए विद्या संस्थानों में अनेक विषय पढ़ाए जाते होंगे भूगोल खगोल गणित और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि आदि अनेक विषय इन विद्याओं की भी अपनी महत्ता है उपयोगिता है इसके साथ इन विषयों के साथ यह अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या तो अध्यात्म का और वह भी जीवन विज्ञान जीने का विज्ञान जीवन कैसे जीना कैसे संयम युक्त विथ पोलाइटनेस जीवन में पोलाइटनेस भी हो जीवन में फियरलेसनेस विनम्रता भी हो और अभय भी हो नॉन वायलेंस जीवन में अहिंसा हो और फ्रेंडलीनेस जीवन में मैत्री भाव भी हो और सेल्फ डिसिप्लिन आत्मानुशासन हो तो जीवन में अच्छे संस्कार आने चाहिए ईमानदारी ओनेस्टी मोरेलिटी नैतिकता ईमानदारी के संस्कार हो अंग्रेजी का सुख्त तो सुंदर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है बहुत अच्छा सुप्त है यह सुप्त जीवन में रहे जीवन में आए तो मूल कल्याण की बात होगी हमारा ज्यादा भला हो सकेगा कि ये ईमानदारी अहिंसा आदि के जो सुप्त हैं न हिंसा प्राणी न प्राणान प्राणियों के प्राणों की हिंसा मत करो तो ये चीज़ें जीवन में कितने अंशों में है नहीं है या कम है तो और ज़्यादा कितना विकास हो सके इस पर ध्यान देने की अपेक्षा है तो आज जो ये विद्या संस्थान है इनमें कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और ज्ञान आदान प्रदान का एक स्थान है विद्याओं या विद्या मंदिर विद्यालय और विद्यालय तो एक प्रकार का मंदिर है जहाँ मानो सरस्वती विद्या की आराधना होती है विद्या को देने और लेने का जहाँ प्रयास हो तो वो एक प्रकार का मंदिर भी हो सकता है तो और विषयों के साथ यह अध्यात्म का विषय और यह ईमानदारी नैतिकता पढ़ाए भी जाते होंगे बताए जाते होंगे बताए जाते रहें और कुछ अपने अध्यात्म के योग के जो प्रयोग हैं वे भी कुछ जो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हों वैसे विद्यार्थी सीख लेते हैं प्रयोग करते हैं ताकि उनका गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा तेज न हो उद्दंडता उनमें न आए और भयभीतता भी न आए अच्छे गुणों का विकास हो जीवन में विद्यार्थी हैं कभी विद्यार्थी बच्चे फिर वो कभी बड़े भी बन सकते हैं विद्यार्थी बच्चे ही तो कभी बड़े बनते हैं कोई बड़ा तो आदमी आमतौर से पैदा नहीं होता बच्चे ही कभी बड़े बनते हैं वो एक गांव में कोई राजनेता गया गांव के लोगों से थोड़ा गांव के बारे में जानकारी ले रहा था साथ में पत्रकार भी था तो गांव के लोगों से पूछा जी आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या ना गांव के ग्रामीण बोले सर हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं बड़ा पैदा नहीं होता है तो बात तो ठीक है पैदा तो बच्चे ही होंगे तो पैदा होने के बाद कोई बड़ा आदमी बना है क्या तो पैदा तो बच्चे होते हैं बच्चे आगे जाकर के बहुत अच्छे भी बन सकते हैं और आखिर बच्चे ही आगे जा के देश की बागडोर संभालने वाले भी होते हैं बच्चों में से कोई संत पुरुष बनते हैं महापुरुष बनते हैं देश के महात्मा हैं कभी तो वो बच्चे ही थे फिर वो दीक्षित हो गए शिक्षित हो गए और अच्छे महात्मा के रूप में भी सामने आ सकते हैं तो विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार और अच्छा ज्ञान हो ऐसा में शरीर भी उनका ठीक हो चार प्रकार के विकास विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित हो सकते हैं एक है शारीरिक विकास ये फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास दूसरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक उनका विकास ये दो विकास इनके बाद या इनके साथ मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास और चौथा इमोशनल डेवलपमेंट भावात्मक विकास तो अच्छे संस्कार आए एक बार की बात है एक गुरुजी थे तो अपने विद्यालय में वो अकेले ही गुरु पढ़ाते थे कई विषय अकेले ही पढ़ा देते ज्योतिष पढ़ा देते संस्कृत पढ़ा देते तो गांव के बच्चे पचास साठ जो बच्चे उनके उस गुरुकुल में आते गुरु जी अकेले पढ़ाते रहते छः सात घंटा जितना वो स्कूल चलता चलता रोज का गुरुजी और विषय पढ़ाने के साथ साथ यह अध्यात्म धर्म ये भी बातें थोड़ी थोड़ी बच्चों को बताते हैं। एक दिन गुरुजी ने बताया कि देखो बच्चों ये धर्म का सिद्धांत है धर्म की बात है कि जो परमात्मा होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं परमात्मा में सारा ज्ञान होता है और वे सबको जानते हैं सबको देखते हैं उनसे छिप के कोई आदमी रह नहीं सकता कुछ भी कर नहीं सकता परमात्मा सबको देख लेते हैं तो समझ गए बच्चे बोले हाँ गुरु जी समझ गए परमात्मा सबको देखते हैं सब जगह देखते हैं उनसे अज्ञात कुछ भी नहीं होता ठीक है कुछ दिन बीते तो गुरु जी ने सोचा कि मैंने इनको धर्म की बात बताई थी कि परमात्मा सब जगह सबको देखते हैं बच्चों ने हृदयंगम कितना किया इसका परीक्षण करूं तो कुछ दिनों बाद गुरुजी बोले बच्चों एक तुम्हें सूचना दे रहा हूं देखो मेरी एक बेटी है उस बेटी की अब मुझे शादी करनी है तो तुम जानते हो तुम्हारे गुरुजी के पास ज्यादा तो कोई पैसा है नहीं तो बेटी के शादी के लिए तो पैसा चाहिएगा तो गुरु की बेटी है वो तुम्हारे क्या लगेगी बोली गुरु जी हमारी बहन हो गई गुरु की बेटी तो बहन हो जाती है तो बताओ तुम अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सहयोग करोगे थोड़ा आर्थिक सहयोग हाँ गुरु जी जरूर करेंगे वो तो हमारी बहन है बहन की शादी होने वाली है तो ऐसा करना कि तुम आज अब घर में जाओ छुट्टी के बाद तो घर में तुम्हारे जो माता पिता के जो पैसे रखे हुए हो कोई परस में आलमारी में कहीं उनमें से कुछ पैसा निकाल लेना तो ध्यान रखना कोई भी न देखे तब पैसा निकालना या कल मुझे ला के दे देना तो हाँ गुरु जी हम चेष्टा करेंगे छुट्टी हो गई बच्चे घर गए अब सबके दिमाग में एक ही बात कब मौका मिले कोई नहीं देखे माता पिता भाई कोई भी नहीं देखे तब हमें आलमारी आदि में से जो मौका मिले पैसा निकालना है प्राय बच्चों ने प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की अगले रोज फिर बच्चे इकट्ठा हो गए जैसे आज मेरे सामने बच्चे उपस्थित हैं मानो कोई वैसे ही बच्चे बैठे होंगे तो गुरु जी पहले तो प्रार्थना जो होती थी विद्यालय की प्रार्थना की उनकी पाठशाला की प्रार्थना होगी फिर गुरु जी ने कहा कल मैंने एक कार्य सौंपा था ना तुम्हारी बहन की शादी में आर्थिक सहयोग का कुछ लाए हो क्या हाँ गुरु जी लाए हैं लाए हैं तो एक एक विद्यार्थी आओ जो कुछ लाए हो ना वो एक पैकेट में कर लो बांध लो उस अपना नाम लगा लो वो पैकेट मेरे पास रखो हाँ गुरु जी हमने पैकेट पहले से ही बाँध लिया है हमारा नाम भी लिखा हुआ है आपको भेंट करेंगे सबका अपना नाम लिखा हुआ जो लाए थे एक एक बच्चा आओ बच्चा एक एक बच्चा आया गुरु जी के सामने टेबल रखी हुई थी उस टेबल पर वो पैकेट सा था पैसों का वो बच्चे रखते गए रखते सबका अपना नाम भी था गुरुजी भीतर में उनका मन दिल कांप रहा था कि इतने बच्चे चोरी करके पैसा लाए हैं इन्होंने चोरी की है गए, गए। बाकी रहा बाकी सब आ गए एक बच्चा बैठा रह गया तो गुरुजी ने कहा बच्चे तुम आए नहीं पैसा नहीं लाए क्या तब तो बच्चा खड़ा हुआ गुरुजी के पास आया कि गुरुजी मैं तो ला नहीं सका क्यों और तुम्हारे साथ ही लेकर के आ गए तुम क्यों नहीं ला सके कि गुरुजी नहीं ला सका क्या बात है क्या तुम्हें मौका नहीं मिला कोई पैसा निकालने का कोई न देखे तब ऐसा मौका नहीं गुरु जी मौका मुझे एक रूप में मिला था मेरे घर में पिताजी तो बाहर गए हुए थे माँ रसोई में काम में थी आलमारी खुली थी अंदर पर्श था मां का तो मैं गया कि आलमारी खोल लू मां के पर्स में से पांच सात रुपये वाला ही था तब मेरे दिमाग में एक बात आई गुरु जी ने कहा है कोई न देखे तब पैसा निकालना है ठीक है ना कोई न देखे हालांकि माता नहीं है पिता नहीं है कमरे में मैं अकेला हूं तो कई दिनों पहले गुरुजी बोले थे परमात्मा सबको देखते हैं परमात्मा सब जगह देखते हैं तो परमात्मा तो देखती है ना तो कोई न देखे तब लाना यह बात हो कैसे सकती है परमात्मा तो देख मैं खुद भी देख ही रहा हूँ तो कोई न देखे तब लाना यह गुरु जी का आदेश है वो कैसे पलेगा इसलिए गुरुदेव में नहीं ला सका गुरु जी का चित्त बहुत संतुष्ट हुआ कि इतने बच्चे हैं एक तो बच्चा मुझे मिला जिसने मेरी बात को अच्छी तरह पकड़ा कि कोई न देखे परमात्मा सब जगह देखते हैं तो वो पैसा कैसे निकाला जा सकेगा गुरुजी बोले साबास बच्चा साबास एक तो बच्चा मुझे योग्य मिल गया गुरुजी ने और सारे बच्चों से कहा तुम पैसा क्यों लाए मैंने कहा था ना परमात्मा सब जगह देखते हैं गुरु जी हम तो उस बात पर ध्यान नहीं दिया हमने हमने सोचा माता पिता नहीं देखे तब लाना है इसलिए लेके आ गए कि आओ जैसे रखा था वापिस अपना पैसा ले जाओ अपने अपने नाम का पैकेट ले लो कहा गुरु जी अब इतना कैसे अब आओ देखो पैकेट ले जाओ बस पैकेट ले गए बच्चे गुरुजी बोले देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हालांकि शादी तो बेटी की होनी है आर्थिक सहयोग जैसा होगा वैसा काम चलाऊंगा तो यह पैसा काम नहीं लूंगा क्योंकि यह एक प्रकार की तुमने चोरी की है चोरी का पैसा मुझे नहीं चाहिए तुम भी ध्यान देना जिंदगी में चोरी नहीं करना परमात्मा सब जगह सबको देखते हैं अब ये बातें हो सकता है विद्यालयों में बताई भी जाती हो सकती हैं यह संस्कार बच्चों में आए कि ईमानदारी हमें चोरी नहीं करना दूसरे की चीज को नहीं लेना सोने की चीज भी कोई गोल्डन चीज भी पड़ी हो दूसरे की है तो चोरी के रूप में वो भी नहीं लेना विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और जैसे तैसे अवैध तरीके से पास होने का प्रयास करें अंक अच्छे मिल जाएं, अंक पाना ही विद्यार्थी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए अंक तो जैसे तैसे बाई और बाई क्रुक जैसे तैसे मान लो प्राप्त कर लेंगे पर अंक मात्र अंक पाने मात्र से क्या होगा ज्ञान अच्छा होगा तो विकास हो सकेगा तो केवल अंक पाना विद्यार्थियों का लक्ष्य न रहे हमें अपनी योग्यता के आधार पर अंक मिले वो तो मान ले ठीक है बिना योग्यता के जैसे तैसे अंक पाने का प्रयास गलत प्रयास हो सकता है तो विद्यार्थियों में ज्ञान भी बड़े अच्छे संस्कार और भी लोग हैं अपने जीवन में धर्म का समातरण करते रहें अहिंसा सत्य आदि आदि का तो उनका कल्याण हो सकता है